शो बिजनेस आज के मीडिया को कटघरे में खड़ा करती है, कहती है कि मनोरंजन का काम जो है हमको लगता था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया जो है वो भी एंटरटेनमेंट ही परोस रहा है। तो सवाल ये उठता है कि न्यूज़ कौन देगा फिर? और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि बॉटम लाइन टीआरपी रेटिंग, सर्कुलेशन, पैसा कमाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इंटेंशन हो गया है मीडिया का, जो कल तक था कि वल्नरेबल लोगों की, मजलूमों की आवाज़ को सपोर्ट करना, उनके इश्यूज को स्पॉटलाइट करना, इससे कहीं पर मीडिया हट रहा है और आहिस्ते आहिस्ता वो इसका एक परिवर्तन हो रहा है और वो शो बिजनेस और एंटरटेनमेंट से ज़्यादा गले लग रहा है। और वो कैसे व्यक्तियों का इस्तेमाल करके इंसानों को कुचलकर अपनी दुकान चलाता है, ये इस फिल्म का कोर इशू है। नहीं, मीडिया अपने मेन रोल से हटकर आहिस्ता आहिस्ता एक मनोरंजन का माध्यम बनता जा रहा है, ये तो सब जानते हैं। और आपके क्षेत्र से मेरा संबंध सालों से रहा है, जर्नलिज्म से मेरा संबंध सालों से रहा है और मैं उठता बैठता रहता हूँ एकदम सीरियस जर्नलिस्ट से, नौजवान पीढ़ी के भी और सीनियर जनरेशन्स के भी, तो हर तरफ एक उदासीनता है कि कहीं पर जर्नलिज्म हैज़ लॉस्ट इट्स सोल और कहीं पर पॉज करके हमें अपने इस डूम के पाथ से हमें अपनी जर्नी को डिवेट करके फिर अपने ओरिजिनल पाथ पे आना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हमारी इस फिल्म में हमने दो नए हीरो, अपना एक हीरो है इसका नाम है तुषार जो हमारा इन हाउस हीरो है और मृणाली इसको ब्रेक दिया है। और इस फिल्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरी है वो राजू खान की है जो कोरियोग्राफर रहे हैं हमारे साथ में, मगर दिस इज़ हिज फर्स्ट डेब्यू एज ए फिल्म डायरेक्टर। और मेरा ये मानना है कि एक नौजवान टीम है मगर आज की दौर की फिल्म है, इस टीम में एक शिद्दत है, इस टीम में एक जज्बा है और इसमें एक इरादा है कि वो अपना छाप छोड़े और यकीनन वो कामयाब होंगे। देखिए, मेरा मानना यह है कि भविष्य जो है आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा नहीं होता, भविष्य लोग होते हैं और नए लोगों को डिस्कवर करके उनको एनकरेज करके उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाना मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है और मुझे सुकून भी उसमें मिलता है। जब मैं कंगना को देखता हूँ कि उसकी वाह होती है, जब मैं जॉन इब्राहिम को देखता हूँ, जब मैं बिपाशा को देखता हूँ, जब मैं मलिका शरावत को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं पर हमने उनकी कामयाबी में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करके उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाया है। हमारा काम जो है सिर्फ फिल्म बनाना नहीं है, हमारा काम लाइफ्स को भी क्रिएट करना है, लोगों की डेस्टिनीज को भी संवारने का है। देखिए, जाहिर है कि क्योंकि उनकी मंजिल कहीं बदल जाती है, एक हद तक वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसके बाद में उनकी मांगें अलग हो जाती हैं और हमारा भी कहीं पर उनके साथ में जुड़े रहना हमको भी गवारा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम नए लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। हम एक आदमी को क्रिएट करके या एक हीरोइन क्रिएट करके उसके साथ जुड़ के बैठ नहीं जाते हैं क्योंकि हमारी सोच जो है इज टू सपोर्ट न्यू कमर्स इन ऑल द एरियाज ऑल द टाइम। 2006 खत्म होने जा रहा है, आपने कोई रेजोल्यूशन किया है? 58 ईयर्स की उम्र हो गई है, रात का 1 बज रहा है, दिन भर काम किया, सुबह 5 बजे दिन शुरू होता है, 3 बजे ख़त्म होता है, बस इसी तेज़ी से इसी शिद्दत से हम काम करते रहेंगे और इससे ज़्यादा हम क्या बोले, इससे बड़ा रेजोल्यूशन हो नहीं सकता। 2007 में किसी
हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आवारापन जो शो बिजनेस के बाद में लॉन्च होने वाला शूटिंग उसकी शुरू होगी जनवरी में, उसके बाद में पूजा भट्ट की धोखा, उसके बाद में एक फिल्म है सुइसाइड बॉम्बर, तो चार फिल्में हमारी हैं। हमारा म्यूजिक हिट हो मगर कभी कभी तीर निशाने पर लगता नहीं है। हमारी नीयत तो होती है कि हम बुलजाय को हिट करें मगर लगता है कि शो बिजनेस क्योंकि एक टैलेंट कॉन्टेस्ट से कनेक्टेड फिल्म है, एक नौजवान कलाकार जो सिंगिंग स्टार उसकी फिल्म है, तो उसके गाने यकीनन अच्छे होंगे। हमारे बीच में सुनील दत्त साहब के अलावा शायद कोई अपना छाप छोड़ नहीं पाया, मगर साउथ में तो काफ़ी फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत गहरा एक असर छोड़ा है पॉलिटिक्स में, मगर यू कैन नेवर से कोई हम में से ही जाएगा और अपना एक इंडेलिबल मार्क छोड़ेगा पॉलिटिक्स की दुनिया में। नहीं, मेरे पास ना टैलेंट है ना मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ूं, क्योंकि पॉलिटिकल सोच जो है वो कहीं पर ग्रुप एक्टिविटी है और मैं कुछ अकेला भीड़ से अलग चलने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं, कुछ शूटिंग बॉम्बे में, बाकी ओवरसीज जाके करें। थैंक यू सो मच।